एक भाषण में कहा और मुझे आज सवेरे से वो वीडियो वायरल हो रहा है और मैं सर खुदा खुदा के सोच रही हूँ गद्दारों को गद्दार नहीं कहूँ तो महात्मा कहूँ। आप मुझे बताइए मित्रों क्या ये सही है गद्दारों को गद्दार नहीं कहे या आपको मंजूर है क्या आप मुझे एक बात बताइए गद्दार किसको बोलते हैं? जब आप जब बाड़ा साहब के शिक्षण आज 25-30 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करके जब थी जब आपने चुनाव के वक्त राष्ट्र में सीएम कुर्सी के लिए आपने 25-30 साल की दोस्ती आपने छोड़ी बाड़ा साहब के विचार छोड़े तब जाकर वो व्यक्ति जो आत्मा से जिससे जुड़ा होता है वो आत्मा के साथ जो भेष होती है उसको उसके साथ जुड़ा नहीं रहता इसीलिए उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं हद करने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी है उसको गद्दार नहीं बोलना चाहिए गद्दार उसको जो बोल रहे हैं ना वो खुद गद्दार है क्योंकि उन्होंने गद्दारी इनके साथ किया तो बाला साहब के साथ जिन्होंने गद्दारी किया तो उनका कार्यकर्ता कभी उनके साथ नहीं रहेगा। इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी और बाकी के जो भी रहेंगे आज उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकी हुई है इसीलिए कुछ ना कुछ गद्दार शब्द गद्दार मतलब क्या आप डेफिनेशन दो ना कौन से आधार पर उसको गद्दार दे रहे मतलब क्या वो वहाँ से दूसरी जगह गया इसके लिए गद्दार आपके साथ इतने साल तो गद्दार को आपने इतने साल रखा ही क्यों था आपके साथ। तो ये बोलना बयान देना हमेशा हमेशा राजनीति के अंदर हमारी जबान पर हमें कंट्रोल रखते हैं।